नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट की खास पेश का स्पोर्ट्स पोस्ट में। कल आरसीबी और पंजाब के बीच हुए मैच में आरसीबी ने शानदार तरीके से यहां पर पंजाब को हरा दिया और उसी के साथ ही जो है पंजाब इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी। मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स बाहर हो चुके, उनका क्वालिफाई करना अब असंभव सा हो गया। वहीं पर आरसीबी की शानदार जीत के बाद अभी भी आरसीबी की उम्मीदें जगी हुई है और अभी भी आरसीबी जो है वो प्ले ऑफ कर सकता है। ये वीडियो आरसीबी के उन सभी फैंस के लिए जो ये सोच रहे क्या आरसीबी अभी भी क्वालिफाई कर सकता है, तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आरसीबी टॉप फोर के लिए क्वालिफाई कर सकता है। देखो, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, अगर ये अकॉर्डिंग टू ऐसा ही होता है तब जाकर आरसीबी क्वालिफाई करेगी। वो इस समय आरसीबी कहते हैं ना कि वेंटिलेटर पे, यानी कि वो एक मशीन यानी कि दूसरों के ऊपर निर्भर है। अगर आरसीबी को क्वालिफाई करना है तो ये चीज़ें होनी चाहिए। वो तीसरे नंबर पर भी आ सकती है। तीसरे नंबर पर आरसीबी को आने के लिए क्या क्या होना चाहिए और उसे क्या क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले उसको चाहिए कि चेन्नई की टीम को गुजरात, राजस्थान और आरसीबी के खिलाफ हार मिले, यानी कि जो आज मैच है उसमें चेन्नई को हार मिले और बचे हुए दो मुकाबले में भी चेन्नई हार जाए। के अलावा सनराइजर्स हैदराबाद को गुजरात और पंजाब के खिलाफ हार मिले, पहले चेन्नई हारे फिर एसआरएच हारे, उसके बाद जो है दिल्ली कैपिटल्स, आरसीबी और लखनऊ से हार जाए। चेन्नई, हैदराबाद और दिल्ली, ये तीनों टीमें हारे और उसके बाद लखनऊ की टीम दिल्ली कैपिटल्स को हराए लेकिन मुंबई से हार जाए। तो इस तरीके से अगर होता है तब जाकर, समझ रहे, आपको बड़ा कंफ्यूजन होगा, यानी कि वो चाहते हैं कि आरसीबी को टॉप थ्री में आने के लिए इन सभी टीमों को हार जाए और उसके बाद आरसीबी को बचे हुए दो मुकाबले जीतने होंगे। ऐसा नहीं कि ये हारे और ये कुछ ना करे, आरसीबी अपने सभी मुकाबले जीत जाए और ये टीमें अपने सभी मुकाबले हार जाए, तब जाकर आरसीबी तीन नंबर पर आ सकता है। बात की जाए अगर चौथे नंबर पर आने के लिए तो आरसीबी को अपने पहले बाकी दोनों मैच जीतने होंगे, वो अगर उनको आना है, क्योंकि तब जाकर वो मैक्सिमम 14 पॉइंट तक जा पाएंगे। उसके अलावा उनको ये उम्मीद करनी होगी यानी कि एसआरएच और सीएसके अपने बाकी मैच हार जाए, जो हमने पहले ही बताया आपको। उसके अलावा कि अगर एसआरएच और सीएसके दोनों ही टीमें 16-16 अंकों तक पहुँच गई तो आरसीबी की संभावनाएँ लगभग क्या पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आरसीबी के मात्र 14 अंक होंगे और इन तीनों में से कोई दो टीम ही क्वालिफाई करेगी। और उसके अलावा हालांकि एसआरएच और सीएसके में से कोई एक टीम 16 या 18 अंक तक पहुंच सकती अभी भी, लेकिन दूसरी टीम 14 अंकों के साथ समाप्त होगी तो आरसीबी की उम्मीदें जिंदा रहेंगी। ऐसे में आरसीबी को दो अन्य टीमों के 14 अंक रहेंगे। ऐसी स्थिति में रन रेट यहाँ पर आरसीबी का बेहतरीन है और वो चाहेगी कि सीएसके, एसआरएच और एलएसजी और डीसी से बेहतर होना चाहिए। इनका जो रन रेट है आरसीबी को बेहतर होना चाहिए। कुल मिलाकर यही है कि आरसीबी अपने दोनों मुकाबले जीते जो बचे हुए और साथ ही उम्मीद करें कि एसआरएच, सीएसके, एलएसजी और डीसी अपने मुकाबले हारती है और रन रेट अगर इसका बेहतर रहता तो अभी भी आरसीबी की उम्मीदें जगी। तो अब आरसीबी क्या कर सकती है, आरसीबी के हाथ में क्या है, वो दोनों मुकाबले बेहतरीन तरीके से जीते, वो जो 14 अंक है उनके पास वो रहे, साथ ही रन रेट इनका अच्छा रहे, उसके बाद वो डिपेंड होंगी दूसरों की टीमों की तरफ। यानी कि अभी भी संभावनाएं हैं, पर संभावना ऐसा कहते हैं कि बहुत 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 मुश्किल है। जिस हिसाब से आरसीबी का लक हमने पूरे आईपीएल इतिहास में देखा है, ऐसा तो लग नहीं रहा कि आरसीबी अभी भी जा सकती, क्योंकि अगर देखा जाए अभी पॉइंट्स लिहाज के, पॉइंट टेबल के लिहाज से यहाँ पर सीएसके, एसआरएच और एलएसजी के बीच इस समय सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है और इन तीनों में से ही कोई दो टीम क्वालिफाई कर सकती है। अब देखना होगा क्या जो इतना आसान लग रहा है कि चार टीमें ये हो सकती हैं, क्या आरसीबी वो टीम बनेगी जो सबको चौंकाते हुए इस बार टॉप फोर की लड़ाई में क्वालिफाई कर जाएगी। और अगर ये टॉप फोर में क्वालिफाई कर जाती हैं तो हो सकता है कि आरसीबी इस बार कप भी जीत ले, पर यही है, ये संभावनाएं हैं। संभावनाएं तब जाकर सच होंगी जब पहले आरसीबी दोनों मुकाबले जीते और बाकी की टीमें मैच हारे। अगर आपको लगता है आरसीबी जीतेगी, आरसीबी क्वालिफाई करेगी तो ज़रूर बताइए, और नहीं लगता तो वो कौन सी चार टीमें होंगी जो क्वालिफाई करेंगी वो भी बताइए। मेरे साथ इस रिपोर्ट बस इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।